गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है YouTube ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर वन, दोज रिएक्शंस बाय विच एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फॉर्म, दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स एनली फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दोज रिएक्शंस which involves only formation of ketones. Okay, तो start करते हैं reactions को। Reactions involve formation of ketone only. ठीक है, यहाँ पे हम उन reactions को study करेंगे जहाँ पर केवल ketone का formation होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डाई एल्काइल कैडमियम। बात करें अगर डाई एल्काइल कैडमियम की, तो डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मूला क्या होगा? डाई एल्काइल मीन्स टू आर ग्रुप विच आर ज्वाइंट विथ कैडमियम। अगर हम बात करें कि डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन हम किस रिएक्शन से करेंगे पहले, ठीक है, हालांकि हम रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे लेंगे क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX और उसके रिएक्शन करवाएंगे CDCl2 के साथ। ठीक है, कैडमियम क्लोराइड लेंगे, कैडमियम क्लोराइड का मतलब हो गया ये, जब इस बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे तो हमें पता है कैडमियम पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज मेटल, और ये नॉन मेटल, इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, उसको भी ब्रेक करेंगे पॉजिटिव एंड इस पे नेगेटिव होगा। We already know that about the nature of RMGX also, Grignard reagent, कि जब भी इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो रिवर्स ऑफ पॉलिटी की वजह से R पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और Mg पे क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ये आपका मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको। ठीक है, अब कैडमियम पे चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल 2 मोल्स यूज कर लेंगे। दोनों R ग्रुप यानी दोनों एल्काइल ग्रुप जो है उस पर चार्ज क्या नेगेटिव है, यहाँ पे सीडी पे पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा सीडी पे क्या होगा, दोनों आर अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सीडी आर एंड आर, यानी कि डाई एल्काइल कैडमियम प्लस क्या रिलीज हो गया, एमजी भी पॉजिटिव है, इस पे दोनों सीएल आपके अटैच हो जाएंगे, तो यहां से बाहर निकल जाएगा आपका एमजी, कितना मोल आपके पास, 2, तो एमजी पे क्या हो गया, आपका सीएल अटैच हो गया और एक्स अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा है वो हमने इस रिएक्शन से एक्सप्लेन किया, कि जब भी हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करवाएंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास भी क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल कैडमियम। लेकिन अब हमें रिएक्शन मेनली जो डिस्कस करनी है, क्या करनी है, कि डाई एल्काइल कैडमियम की हेल्प से हम कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो देखिएगा, जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड हैलाइड की, RC डबल बॉन्ड OCl की, किसके साथ, कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, यानी कि R2CD के साथ। तो यहां देखना क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जब भी एसिड हैलाइड की रिएक्शन PD पैलेडियम या BASF4 के साथ करवाते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी है, रोजनमुंड, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाई थी। और उस रिएक्शन से हमारे पास क्या बनता है, उस रिएक्शन से हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। बट नाउ हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, डाई एल्काइल कैडमियम से, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, चुप कीटोन बनेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट होगा, आपका सी बॉन्ड सीएल, जैसे डिसोसिएट हुआ यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, बिकॉज सीएल आपका मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। यहाँ बात करेंगे तो R2CD यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, दोनों बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, सीडी पे चार्ज होगा पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या आपकी मेटल है, और आर पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे कितना मोल आपके पास, 2R, यहाँ पे CD पे 2 पॉजिटिव है, जबकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे 2 मोल यूज करेंगे। जैसे 2 मोल यूज करते हैं तो हमारे पास CL कितने हो गए, 2, जिसमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, दोनों CL के एटम जो है वो CD के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या निकल जाएगा बाहर, आपका CDCl2 निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O, जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, और 2 मोल हमारे पास इधर R है, जिसपे चार्ज नेगेटिव है, तो टोटल हमारे पास 2 मोल क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन गेट कीटोन बाय यूजिंग ऑफ रिएक्शन इन विच डाई एल्काइल कैडमियम रिएक्ट विथ एसिड हैलाइड। ठीक है, नंबर 2 रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन हमारे पास रहेगी
फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट, ठीक है, ग्रिगनार्ड रीजेंट से हमें कीटोन का फॉर्मेशन करना है। रिएक्शन की स्टार्टिंग किससे करेंगे? बाय नाइट्राइल, नाइट्राइल के साथ, ठीक है। करें स्टार्ट, क्या लेंगे? RMGX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन करवाएंगे RC(NN) के साथ। नाइट्राइल में यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच आपका वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई जो डीलोकलाइज हो जाएगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? हाई। C पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? आर एम जी को ब्रेक करेंगे, एम जी पे पॉजिटिव आएगा, आर पे नेगेटिव, हमें पता है इसका नेचर। तो आर जिस पे नेगेटिव है वो किससे ज्वाइन होगा बच्चों? सी के साथ। क्या बन जाएगा? आर आर सी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सी से ऑलरेडी एक आर अटैच है, इस सी पे चार्ज पॉजिटिव है, जिस पे कौन ज्वाइन करेगा? आर नेगेटिव। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर आर सी। अब सी से आपका एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो चुका था टुवर्ड्स एन, तो हमारे पास दो बॉन्ड अभी भी मेंटेन रहेंगे। एन जिस पे चार्ज क्या आपका नेगेटिव, कौन अटैच होगा यहाँ पे? एम जी पॉजिटिव, यानी कि एम जी एक्स बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसका कर देंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, बहुत बार करवा चुका हूँ आपको एक प्रैक्टिस में। कंप्लीट का मतलब आपको कंप्लीटली इसको एस पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में डिसोशिएट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो आपने ये डिसोशिएट कर दिया, अब यहां से हम इसको कंप्लीटली ब्रेक कर देंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, क्योंकि ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा। अब कार्बन पे टू पॉजिटिव है और ओ पे टू नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आर आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस रिलीज क्या हो गया आपका? NH2 कौन? एम जी और एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगेन क्या बन गया है? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे हमने टोटल टू रिएक्शंस कर लिए, यहाँ पे आप डाइक अल्काइल कैडमियम की हेल्प से कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एज वेल जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नाइट्राइल से करवाएंगे और उसके बाद उसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा? कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फटाफट से इन दो रिएक्शंस का लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी थर्ड रिएक्शन। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर थ्री रिएक्शन। बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की, थर्ड रिएक्शन जो है वो आपकी है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। आपको बेंजीन से रिएक्शन स्टार्ट करनी है। रिएक्शन का टाइप जो रहेगा वो रहेगा आपका बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेंजीन के ऊपर, तो यहां पर हम कहेंगे कि ये आपका होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। करवाएंगे क्या बच्चों? एक तरह से करवाएंगे असाइलेशन। क्या करवाएंगे? असाइलेशन। और असाइलेशन में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मैंने आपको फिनोल में भी पढ़ाया था, मैंने आपको हैलोजन में भी पढ़ाया था असाइलेशन। असाइलेशन क्या होता है? जहां पे असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा सामने वाले रिएक्टेंट पे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप। ये होता है आपका असाइलेशन के लिए। क्या लेंगे बच्चों? असाइलेशन के लिए लेंगे हम असाइल, ठीक है। इसे डिसोशिएट करेंगे, Cl पे चार्ज आपका नेगेटिव आएगा, C पे आपका पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा आपका? सी डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि असाइल ग्रुप। इस ग्रुप को तो क्या बोलते हैं बच्चों? असाइल बोलते हैं। ये मैं आपको एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में भी बताया था, ठीक है। असाइल ग्रुप जो है जिस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका बिहेव कर रहा है यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस बेंजीन रिंग में, यहाँ पे देखेंगे तो सारे कार्बन पे सारे हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट है, तो किसी भी एक जगह से आपका हाइड्रोजन ब्रेक होगा, चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाएगा? यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। हालांकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका H प्लस आयन इसके प्लस आयन से क्या हो जाएगा? रिप्लेस, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। देखिएगा ध्यान से, दिस इज R C डबल बॉन्ड O CH3, यानी R C डबल बॉन्ड O R। हमारे पास क्या बन गया? कीटोन। इसे हम बोलेंगे एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे? एसिटोफिनोन। एसिड का मतलब टू कार्बन है
और ये फिनोनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे इसे, एसिटोफिनोनियम से कहेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से बाहर, HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑल्सो बाई विच वी कैन गेट कीटोन एज अ प्रोडक्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाय असाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर हमारी टोटल 3 रिएक्शंस ही थी सिलेबस में जिनकी हेल्प से हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अब जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखिएगा बात करेंगे हम न्यू टॉपिक की जो हमारे पास रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फिजिकल स्टेट को। तो इसके बारे में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत सारे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा बताया था मैंने आपको कि हम बात अगर करते हैं मीथेनल की, मीथेनल का मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या बनता है, मीथेनल का मतलब सिंपल सा बनता है जिसमें एक कार्बन एटम आपका प्रेजेंट रहेगा, ऐसे एल्डिहाइड्स जहाँ पे एक कार्बन होगा। बात करते हैं इथेनल की, ऐसा एल्डिहाइड जहाँ पे आपके 2 कार्बन्स रहेंगे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये आपका मिथेनल है, ये आपका इथेनल है। अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट की, तो ये रूम टेम्परेचर पे आपका होता है गैस स्टेट में, और ये जो होता है वो होता है आपका लिक्विड स्टेट में, वॉलेटाइल लिक्विड स्टेट में आपका ये रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको चीजें, ठीक है ना, कि व्हेन एवर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजेस देन मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो इंक्रीजेस। और जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा ना बच्चों, वैसे वैसे आपके फिजिकल स्टेट में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर अपन बहुत हायर नंबर ऑफ कार्बन पे चलेंगे, तो हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम से बात करेंगे तो वहां पे ये कहेंगे सिंपल कि धीरे धीरे आपके वैक्सीज सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बहुत पहले बता चुका हूँ कि व्हेन एवर योर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजेस देन मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो इंक्रीजेस देन फिजिकल स्टेट इज आल्सो चेंजेस, ठीक है। लोअर मेंबर होते हैं गैस स्टेट में, मिडिल मेंबर होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में, और हायर मेंबर आपके वैक्सीज सॉलिड स्टेट में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल स्टेट, ठीक है। बात करें इनके ऑर्डर की, तो ऑर्डर के बारे में बता चुका हूँ कि इनके लोअर मेंबर जो होते हैं ना बच्चों, उनमें आपकी एक स्पेसिफिक प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। इनके अंदर अपनी एक स्पेसिफिक प्लीजेंट स्मेल होती है। इसका यूज जो है ना बच्चों, वो अपन कई बार परफ्यूम्स वगैरह में, सेंट्स वगैरह में, इनमें भी यूज करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का यूज हम परफ्यूम एंड सेंट्स वगैरह में यूज करते हैं जिनसे हमें प्लीजेंट स्मेल मिलती है, ठीक है। लोअर मेंबर में होता है ये, बट जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन जैसे आपका इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका स्मेल जो है वो बच्चों डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ठीक है। कि जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो कार्बन एटम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और पर्टिकुलर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो वैसे वैसे आपकी स्मेल जो आ रही थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि हमारे पास होता है बच्चों, क्या, सॉल्युबिलिटी का, कौन सा होगा, सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो स्टार्ट करें इस चीज को। तो सॉल्युबिलिटी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या राइज होता है हमारे पास, कि क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन जो हमारे पास में है कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्या वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, यस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होंगे वो आपके हैं वाटर सॉल्युबल, क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। कैसे होंगे, फटाफट से देख लीजिए फटाफट से आप, कि अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो इसमें RC डबल बॉन्ड O आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों, रहेगा, ठीक है। एक और मोल ले लेता हूँ मैं फटाफट से, RC डबल बॉन्ड OH का, यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों अपन वाटर मॉलिक्यूल HOH, क्या ले रहे हैं, HOH। अब देखिए
यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चाहे कीटोन हो चाहे आपका एल्डिहाइड हो। अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपका एक वीक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो गया? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका बहुत ही सिंपल सा क्या बन गया आपके पास आंसर कि इज एल्डिहाइड और कीटोन इन वाटर सोल्यूबल और नॉट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इट। ठीक है, आपको एक सिंपल सी लाइन में आंसर देना है कि एल्कोहल सॉरी कीटोन्स एंड जो एल्डिहाइड्स हैं वो आपके वाटर में सोल्यूबल रहेंगे जस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको ये सिंपल सा आपका जो डायग्राम उसको रिप्रेजेंट कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी पे। नंबर टू बात करें सॉल्युबिलिटी, तो आपको अच्छे से पता है वो कंसेप्ट आपका लगातार चल रहा है कंटिन्यूसली। वो क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका मास इंक्रीज होगा और वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी मैं आपसे कहूँ कि इथेनल प्रोपेनल और ब्यूटेनल इनमें सबसे मोर सॉल्युबल कौन होगा? तो कौन होगा आपका? इथेनल होगा, बिकॉज इथेनल में आपके टू कार्बन प्रेजेंट है, देन प्रोपेनल थ्री कार्बन, देन ब्यूटेनल फोर कार्बन। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, नंबर थ्री पॉइंट्स भी आपको ऑलरेडी पता है, वो ये कि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका सरफेस एरिया कम होगा और आपका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्रिस्टल सिस्टम में एडजस्टमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो लो हो जाएगा, वैसे वैसे वो आपका मोल डिजोल्व होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी सॉल्युबिलिटी, और नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी मास के क्या रहेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और बात करें क्वेश्चन की, तो ये वाटर में सोल्यूबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का, जो कि हमारा रहेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट जो कि हमारा रहेगा किस पे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर। चलिए देखिए, लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा बच्चों किस पे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर। क्या कहेंगे यहाँ पे कि क्या आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनने वाला वो अगेन आपके पास यही बनेगा कि क्या एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके पास रहेंगे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से हाई होगा या लो होगा? तो क्वेश्चन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स आर हायर देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास, जरूर कहा जाएगा आपसे यहां पे कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। तो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है वाई। ठीक है, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर हायर देन द नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स एंड द ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब यहां पे तीन चीजें कंपेयर की गई हैं। पहला ये कि आपके पास कोई एक एल्डिहाइड कीटोन दिया गया है, साथ में आपको यहां पे एक दिया गया है हाइड्रोकार्बन और एक दिया गया है ईथर, जबकि तीनों का मॉलिक्यूलर मास कैसा है? कंपेरेबल, मतलब लगभग लगभग सिमिलर है। फिर भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपसे। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर बनेगा आपके पास, ड्यू टू वीक एसोसिएशन ऑफ एटम्स इन एल्डिहाइड्स और कीटोन बाय
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर में, जब इसका मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था। क्या बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और सी पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पोल्स जनरेट हो जाते हैं जिनके बीच आपका अट्रैक्शन होगा, बिकॉज ये पोल कैसे हैं आपके, डायपोल जो है वो आपके अपोजिट्स चार्जेस के हैं, तो इनके बीच क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से इनके बीच बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करता है, जिससे यहाँ पे आपके डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जनरेट होता है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े एसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए इनको मेल्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी का चाहिए हाई चाहिए होता है। जबकि वहीं बात करें अगर अपन हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन कैसे होते हैं आपके, ये दो एटम्स हैं जिनके बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये नॉन पोलर हैं, इसी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगा। एज वेल ईथर में भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स का मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स और ईथर जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास उनसे हाई होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ एटम्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स टाइटली एडेड हो रहे हैं, इसका मतलब आप उसको मेल्ट या बॉइल करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई चाहिए होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा होता है। नंबर टू पॉइंट की बात करें, देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो क्या कि अगर हम बात करें अल्कोहल से, किससे बात करें अल्कोहल और बात करें किसकी बच्चों, एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड से क्या होगा, मोर, ठीक है। आंसर बहुत सिंपल सा है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में हम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप जा सकते हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर जो चैप्टर है उसमें जाकर के आप सर्च कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, वहाँ पे देख सकते हैं कि एल्कोहल मॉलिक्यूल जो होगा वहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसका मतलब कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है, इसलिए वहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा एसोसिएट होगा, ज़्यादा एसोसिएट होगा इट मीन्स क्या हो गया, मोर एसोसिएशन मीन्स मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी एटम्स, ठीक है। इसका मीन ये हुआ कि यहाँ पे इनको मेल्ट या बॉइल करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिए, हाई। अल्कोहल लिक्विड में होता तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाएगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ऑलवेज हायर देन ऑफ एल्डिहाइड्स जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है एज कम्पेयर टू डायपोल डायपोल के, दैट्स वाई वहाँ पे आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू बॉयल एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से हाई होगा बट लेस देन होता है एल्कोहल से। फटाफट से लीजिए स्क्रीन शॉट, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। हो गया, चलिए अब देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन जो आपके बेस्ड हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास पूछा जा सकता है इस पे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप तो डायरेक्ट सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स दे जाएंगे, उन कंपाउंड्स को आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
एंड द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। पहला कंपाउंड जो आपको यहाँ पे गिवन है वो गिवन है CH3 CH2 CH2। सेकेंड कंपाउंड जो हमें गिवन है वो गिवन है CH3 CH2 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 OH। थर्ड जो हमारे पास है C2H5 OC2H5। और फोर्थ हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर हम इनको देखेंगे ध्यान से तो हमें को दिखेगा कि फर्स्ट कंपाउंड जो हमें दिया गया है वो कौन सा आपके पास एल्डिहाइड है, कौन सा है एल्डिहाइड, 4 कार्बन कंटेंट कर रहा है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपके लगभग लगभग ये चारों के चारों कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ना, वो कैसे दिख रहे हैं, लगभग लगभग सिमिलर मॉलिकुलर मास के, मतलब इनके मॉलिकुलर मास जो है वो कंपेरेबल है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड गिवन है, आपको अल्कोहल गिवन है। यहाँ बात करेंगे ये आपके पास में कौन सा है, ईथर ROR, जबकि ये आपके पास में नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। अब हमें इन चारों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें देखना पड़ेगा सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो ऑब्वियसली सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, अल्कोहल का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी डिस्कस किया था अपन ने कि इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से भी हायर होता है। तो नंबर वन हमारे पास में जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 OH, एल्कोहल का सबसे हाई होगा। रीजन हमें पता लगेगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करेंगे इन तीनों के, तो इन तीनों में सबसे हाई किसका होगा, एल्डिहाइड का, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसकी वजह से इनके एटम्स के बीच भी क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो उसके बाद हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो हाई रहेगा वो किसका रहेगा, एल्डिहाइड का। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, ईथर और हाइड्रोकार्बन की। तो ये भी बच्चों आप मेरे प्रीवियस चैप्टर में जाकर के पढ़ सकते हैं जहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर को एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे टॉपिक में जाकर देख सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली हाइड्रोकार्बन से हायर होता है जब जब इनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लो रहते हैं। ठीक है, हायर में तो ये हाई हो जाता है, पढ़िएगा वहाँ जाकर के इसको ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे कि ईथर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, थोड़ा सा हाई रहेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन के। तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5। बिल्कुल मैंने वहाँ उस टॉपिक में स्पेसिफाई किया है हर एक रीजन को भी साथ में कि इसका इससे हाई क्यों रहेगा, लो में और बाद में क्यों। मैंने वहाँ कहा था आपसे कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे इसमें और इसमें भी इंक्रीज होंगे तो इनमें तो सिमेट्री मेंटेन रहेगी, बट इसमें ऑक्सीजन की वजह से सिमेट्री डिस्टर्ब होती है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बट लोअर मेंबर्स में ईथर का ही हाई रहेगा ड्यू टू स्लाइटली कह सकते हैं डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डिफरेंस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ईथर का हाई रहेगा, उसके बाद में बात करेंगे इसका हाइड्रोकार्बन का हाई रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर जिसमें हमने अरेंज कर लिया इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनको अरेंज करो किसमें, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में भी अरेंज करो तो भी आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपका मोर सोल्यूबल है, देन आपका ये सोल्यूबल है, देन आपका ये और देन आपका ये। ठीक है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, ईथर मॉलिक्यूल्स में भी, बट इसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर होती है तो यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका सबसे मोर सोल्यूबल है, देन ये है, देन ये, देन ये, मतलब सोल्युबिलिटी का ऑर्डर भी आपका लगभग लगभग सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे हम किस पे बॉइलिंग पॉइंट पे वापस से, कि हमारे पास कंपाउंड जो दिया गया है वो दिया गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सेकंड कंपाउंड हमारे पास जो दिया गया है वो है आपके पास थर्ड जो हमारे पास है वो है फोर्थ हमारे पास जो है वो ये है देखिए ध्यान से, इन चारों कंपाउंड को आपको अरेंज करना है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, देखिए
इसकी बात करेंगे, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये भी हमारे पास कीटोन है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। बात करेंगे तो इसमें टोटल 4 कार्बन है, कितने हैं 4 कार्बन, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो देखेंगे अपन इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा आपका लो रहेगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है 5। अब 4 और 5 में डिफरेंस क्या होता है आपको पता है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, राइट। बात करें थर्ड की, तो थर्ड में आपके पास टोटल 4 कार्बन है, ठीक है, कितने कार्बन है टोटल 4, बट इन 4 कार्बन को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका इस कार्बन पे क्या ब्रांचिंग मोड है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, हमें बताना भूल गया आपको, देखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात जब करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑलरेडी आपको पता है, वैसे दो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन एटम बढ़ेंगे तो आपके पास में क्या होगा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगे, तो वहां पे आप उनको मेल्ट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हाई रिक्वायर होगी, तो कह सकते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। बट जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, रीजन पता है आपको, ठीक है, इजीली, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बहुत बार कि ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर तो क्या कहेंगे कि इन दोनों में से फर्स्ट एंड सेकेंड में से सेकेंड का सबसे हाई होगा क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हाई है। बात करेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है, तो कहेंगे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका लो रहेगा, ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, सिंपल सी बात है। ये सिमेट्री में है तो इसको मेल्ट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। बात करें फोर्थ की, फोर्थ में भी 4 कार्बन एटम्स हैं, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स हैं, बट सॉरी, तो यहाँ पे तो लगभग लगभग आपका दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर सा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है और दोनों के दोनों आपस में दूसरे के आइसोमर भी हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, कार्बन 1, 2, 3, 4, कार्बन 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 2, 7, 8, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 2, 3, यानी दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुई, ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों की ब्रांचिंग की बात करें तो वो भी सिमिलर है, दोनों स्ट्रेट चेन में अटैच है, दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा सिमिलर रहेगा। तो सबसे हाई किसका हो बच्चों, सेकेंड का, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे हाई है। फिर किसका होगा फर्स्ट का, और फर्स्ट का लगभग सिमिलर रहेगा किसके साथ में बच्चों, फोर्थ के साथ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लिख सकते हैं। देन हम कहेंगे थर्ड का, ठीक है, क्योंकि थर्ड के अंदर आपकी ब्रांचिंग है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास में इसका आंसर। और सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों किसके लिए, सॉलिबिलिटी के लिए, कि इन चारों को आपको सॉलिबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सॉलिबिलिटी हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे मोर सॉल्युबल कौन होगा थर्ड, देन कौन होगा आपका, देन आपका फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, देन आपका सेकंड रहेगा, ये आपका रहेगा ऑर्डर किसका सॉल्युबिलिटी का, और ये होगा आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप अपना फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा, इसके साथ ही मैं आपको जल्दी ही इसकी एक डीपीपी जो है वो आपको टेलीग्राम ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जल्दी उसको आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में उसको डीपीपी डालने से पहले मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं आपको भूल गया हूँ थोड़ा सा, कि आपको मैंने जो लास्ट प्रीवियस चैप्टर यानी अल्कोहल फिनोल ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी और सॉरी जितने भी चैप्टर हैं उन पे बेस्ड आपको मैंने दो वर्कशीट दी थी, एक जो रिलेटेड थी आपके अल्कोहल से और एक वर्कशीट जो आपकी रिलेटेड थी फिनोल और ईथर से। आई होप कि आप सब लोगों ने वो वर्कशीट सॉल्व कर ली होंगी, तो इस लेक्चर के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो उनके सॉल्यूशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, अभी भी आपके पास टाइम है, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हम जल्दी ही यानी नेक्स्ट वीडियो जब भी आप डालेंगे तो वो उसी के सॉल्यूशन का रहेगा, तो अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और साथ में आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, ओके बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। राधे राधे।